आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। भाजपा प्रत्याशी का अपने प्रतिद्वंदी पर जुबानी हमला जारी। धनबाद विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राज सिन्हा अपने समर्थकों के साथ धनबाद के कई क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए राज सिन्हा ने कहा कि मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ। इस विधानसभा क्षेत्र से राज सिन्हा नहीं बल्कि धनबाद की जनता चुनाव लड़ रही है। अपने प्रतिद्वंदी व कांग्रेस प्रत्याशी मन्नान मलिक पर आरोपों की बौछार करते हुए कहा कि वह बुजुर्ग हो चुके हैं और बार बार चुनाव हारने से अच्छा है कि अब वह अंतिम बार आशीर्वाद देकर हमेशा के लिए चुनावी राजनीति से खुद को अलग कर लें। राज सिन्हा ने कहा कि लोगों की समस्याओं के साथ में हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा। साथ ही राज सिन्हा ने यह भी कहा कि उनके अगले कार्यकाल में धनबाद में एयरपोर्ट लाना, फ्लाईओवर का निर्माण, जाम की समस्या से लोगों को निजात दिलाना प्राथमिकता होगी। धनबाद से अजीत कुमार की रिपोर्ट। धनबाद के मतदाताओं अपने कार्यकर्ताओं के साथ निकले हैं कि हमारे जो मतदाता है उनका अभिनंदन करें। और वास्तव में इस चुनाव में पूरे चुनाव अभियान के दौरान मैं जनता का अभिनंदन करने निकला, क्योंकि जनता ने जो प्यार स्नेह मुझे दिया, कार्यकर्ताओं ने जो प्रेम दिया, उसको सम्मान दिया हमारे शीर्ष नेताओं ने। और लगातार 5 वर्षों तक मैं जनता के बीच में रहा, उसका आशीर्वाद स्वरूप मुझे जनता दे रही है और इसलिए मैं इस अभियान में हूँ कि गल मोहल्ले मोहल्ले जा करके लोगों को जहां तक संभव हो उनका अभिवादन करूं, उनका अभिनंदन करूं। दावा नहीं करता, पिछले चुनाव में भी बहुत बड़े बड़े दावे नहीं किए थे। एक मैंने कहा था यहां के लोगों से, पहला जो चुनाव था वो युवाओं को समर्पित था और मैंने आज कहा था कि मैं बनूंगा तो पहला बड़ा काम करूंगा वो विश्वविद्यालय का निर्माण। उस दावे को हमने पूरा किया। इस बार मैंने सोच रखा है कि जो जाम की समस्या है बैंक मोड़ का, वो अंडरपास हो या फ्लाईओवर हो उसको, और दूसरा हवाई अड्डा, अपने माननीय सांसद जी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, उनसे भी बात करूंगा, आग्रह करूंगा और आवश्यकता पड़ी तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के पास तक जाऊंगा। और इस यह दो कार्य को मैंने प्राथमिकता के तौर पर लिया है। बाकी जो पूरे चुनाव में मैं केवल जनता से यही बताने जा रहा हूं कि देखिए कैसे कैसे चेहरे हैं, 5 साल तक जो लोग कभी दिखाई नहीं दिए सड़क पर, अगर विपक्ष के रूप में उनको मत लेना था या आपके बीच में वोट मांगने का आग्रह करने आना था तो कम से कम जो कुछ मुद्दे थे दुख सुख में जनता के साथ होना चाहिए था। जैसे अभी बारिश हुई, गली गली पानी लगा, लोगों के घर में नाली का पानी घुसा, कोई चेहरा दिखाई नहीं दिया, कोई विपक्ष नहीं। उस समय भी विधायक ही घुटने भर नंगे पांव लोगों के घरों घर घूम करके उनके साथ सहानुभूति व्यक्त किया, उनके सुख दुख में शामिल हुआ या कैसे पानी निकले उसकी हमने चिंता की। या फिर रेलवे के द्वारा जब अतिक्रमण हटाने के नाम पर तिवारी गली खटाल को उजाड़ा जा रहा था तो मैंने कहा कि पहले बसाना होगा तब उजाड़िए, बसने की व्यवस्था की। और ऐसे स्थिति में आप बुलडोजर चलाइएगा तो राज सिन्हा के सीने पर पहले बुलडोजर चलेगा। तो विपक्ष की भूमिका हो या प्रतिपक्ष की भूमिका हो या सहयोगी की भूमिका हो या सरकारी पार्टी के विधायक की भूमिका हो, सारे भूमिका में तो अकेले राज सिन्हा रहा, जनता की आवाज बनके खड़ा रहा, चट्टान के रूप में खड़ा रहा। ये कहां थे उस समय जब प्रतिपक्ष जब विपक्ष के लोगों को सोच पाना चाहिए थे। मैं नहीं मानता कि सारे काम मैंने किए होंगे, मैं मानता हूं इस बात, सब काम नहीं हुए होंगे, कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी, लेकिन उन कमियों को उजागर करने के लिए कोई तो आदमी आना चाहिए था जो कि बोलता कि यहाँ पुतले दहन करता हमारा, हाय हाय करता, रघुवर सरकार हाय हाय बोलता, मोदी सरकार हाय हाय बोलता, कहीं कोई मतलब नहीं, कहीं कोई आंदोलन नहीं, कहीं जनता की आवाज नहीं, कहीं सुख दुख में साथ नहीं। और अब चुनाव का समय आ गया तो चेहरा उठा करके वोट मांगने चले आए। तो जनता से बस यही आग्रह करूंगा कि ऐसे चेहरों को पहचानिए,